हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेट टॉप बॉक्स में इंटरनेट किस से यूज करना चाहिए, और इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर बताएं। तो आप टाइटल देख के आज समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में आपके लिए क्या लेकर आया हूँ आज। तो सेट टॉप बॉक्स में इंटरनेट चलाने के बहुत सी माध्यम हैं और चलाते भी हैं, और चैनलों पे फ्रीजिंग वगैरह आप देखते होंगे, चैनल रुकते हैं, समस्या वगैरह आती है। बहुत से लोगों को बहुत समस्या आती है। वो समस्या इसलिए आती है, उनको खुद को जानकारी नहीं रहती कि हमें कैसे इंटरनेट उसमें यूज करना है, किससे चलाएं, जिससे कि चैनल वगैरह जो हम देख रहे हैं उसमें कोई समस्या ना आए। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में किराने का बॉक्स है, उसमें सिम लगती है। तो सिम से स्टार्ट करते हैं, इंटरनेट कैसे चल रहा है। जैसे कि अब मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे किराने का बॉक्स है 8007, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सिम स्लॉट है, यहाँ पर सिम लगती हुई है, और ये यूएसबी केबल है, यहाँ से वाईफाई 3G डोंगल लगा सकते हैं। अब हम सिम लगाकर चलाते हैं तो समस्या क्या आती है, एक एक करके मैं सभी को बताऊंगा, आप समझिए बात को। तो सिम से क्या होता है, सिम से प्रॉब्लम ये होती है कि हमें सेट टॉप बॉक्स में सिम लगाई तो इसमें जो डिवाइस लगी हुई है वो 2G लगी होती है, जिस कारण से यूट्यूब वगैरह नहीं चलता है, और सिम 2G होने के कारण नेटवर्क की समस्या रहती है, जिस कारण से होता क्या है कि इंटरनेट सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, उस वजह से चैनलों में फ्रीजिंग होती है, जरूर है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं हमारे बहुत सही चल रहे हैं, हमारी टीवी में कोई समस्या नहीं आती। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि उनके लिए समस्या इसलिए नहीं आती कि उन्होंने या फिर सिम बदल के देख ली है, कोई सिम में अच्छे नेटवर्क आ रहे हो, या फिर उस एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं हो, कंटिन्यू नेटवर्क मिल रहा है। और इंटरनेट की एक चीज मैं बता दूं, बहुत से बोलते हैं कि डाटा कितना खर्च होता है, जैसे कि पेड वगैरह कुछ भी चैनल देखने के लिए बहुत तरह के सलूशन रहते हैं इंटरनेट के चलाने के, तो डाटा बहुत कम यूज होता है। मान लीजिए 2 MB या 3 MB 24 घंटे में खत्म होगा, यदि आप टीवी देखोगे तो। तो हम बात करते हैं इसके बारे में, तो हम बात करने नहीं जा रहे थे, हम केवल ये बात करेंगे आज कि हमें सिम से 3G डोंगल या वाईफाई या लैन किससे चला इंटरनेट, जिससे कि समस्या का समाधान मिल सके। अब कंप्लेंट बहुत आती है, बहुत लोगों की सिम से सही चलता है ये सेट टॉप बॉक्स, बहुत लोगों की नहीं चलता है, फ्रीजिंग होती है, ज्यादातर फ्रीजिंग ही होती है। तो इसमें क्या है, ये डिवाइस इसमें लगी हुई रहती है वो है 2G। 2G होने के कारण मैं आपको बता ही चुका हूं कि नेटवर्क की समस्या रहती है, इंटरनेट कंटिन्यू नहीं मिल पाता। हाँ, एक चीज और मैं बताना आपको भूल गया हूं कि आखिर 2 MB या 3 MB डाटा लगता है इसमें, और किस तरीके का इंटरनेट चाहिए। अब कुछ लोग समझते हैं कि 2G चलाए या 3G चलाए या 4G चलाए, तो समस्या आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप पाइप है, एक पाइप में ले लीजिए आप, एक मोटा पाइप है एक पतला पाइप जिसमें से पानी जाता है, ठीक है ना। तो पतला पाइप आप समझोगे 2G और मोटा पाइप यानी समझोगे 4G। अगर ऐसे हम डाटा की अगर थोड़ी तुलना की जाए नॉर्मल तरीके से बात करके एक डेमो दिखाकर, तो पतला पाइप है उसमें 2G है और मोटा पाइप है वो 4G है। अगर मान लीजिए आपको केवल एक छोटी सी सीरिंज बराबर एक नली की जैसे पानी निकलता है ना, उस तरीके से कंटिन्यू पानी चाहिए, तो वो छोटे पाइप से भी काम हो जाएगा, बड़े से भी हो जाएगा। समस्या कहां पर आती है, समस्या वहां पर आती है कि 2G और 4G की समस्या नहीं है, समस्या कंटिन्यूटी की है। कंटिन्यूटी आप समझते हैं, जैसे कि आप डाटा है तो डाटा का जो फ्लो स्पीड है वो एक जैसी रहना चाहिए, बीच में स्टॉप नहीं लगना चाहिए। अब आप मान लीजिए को आप 4G चला रहे हो इंटरनेट या 3G चला रहे हो, अगर बीच में कहीं वो रुक जाए और फिर एकदम से तेज स्पीड हो जाए तो वो स्पीड कोई काम की नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। 2G में जी समस्या आती है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है।
3G में भी यही समस्या है। तो आप समझ गए होंगे कि डाटा कंटिन्यू रहने चाहिए, ना कि स्पीड पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें स्पीड की जरूरत नहीं है, ये कोई डाटा तो खा नहीं रहा है सेट टॉप बॉक्स, इसलिए इसमें स्पीड की आप प्रॉब्लम छोड़ दीजिए कि स्पीड की जरूरत है, केवल कंटिन्यू जरूरत है कि किस जगह पर 2G की इंटरनेट की स्पीड कंटिन्यू आ रही है। अब हम सिम के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि सिम 2G रहती है, हर जगह इसके सिग्नल सही नहीं रहते, किसी किसी जगह सही रहते हैं, तो किसी का समस्या का समाधान उनको मिल जाता है और वो चीज सही चलती है उसके लिए, तो वो कमेंट में बताएगा कि हाँ मेरा तो सही चल रहा है, दूसरा कहता है मेरा सही चल रहा नहीं चल रहा, वो प्रॉब्लम यही रहती है, हर एरिया में जो होता है इंटरनेट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता रहता है 2G में। अगर 2G इसके अलावा हम बात करें 3G डोंगल, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास गिर गया, सॉरी 3G डोंगल, जैसे मेरे हाथ में ये 3G डोंगल है आप देख रहे होंगे, 3G डोंगल, 3G डोंगल ज्यादातर जेड टी या हुआई वगैरह काम करते हैं सेट टॉप बॉक्स में, आप याद रखें जेड टी के सेट टॉप बॉक्स, यही जेड टी का 3G डोंगल ही अगर खरीदें तो फिर आप यहाँ से पेन ड्राइव ऐसे लगा कर, जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं आप इसमें लगा दीजिए, 3G सेटिंग कीजिए, 3G डोंगल काम करेगा। जैसे एक और दूसरा सेट टॉप बॉक्स है मेरे पास, मैं उसको बता देता हूँ, ये देखिए ये लगाया 3G डोंगल, 3G सेटिंग की एक्टिवेट किया, इससे इंटरनेट चालू हो गया। अब सेकंड आप एक एक करके मैं सभी से इंटरनेट के बारे में बताऊंगा आपको, सेट टॉप बॉक्स में किससे इंटरनेट चलाना चाहिए, आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए तभी आप समझ पाएंगे कि सेट टॉप बॉक्स में किस डिवाइस से आप इंटरनेट चलाएं तभी आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो अब जैसे 3G है, 3G डोंगल से आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या हमारा समाधान हो सकता है और क्या नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता और हो सकता है। तो सबसे पहले मेरी बात सुनिए कि जो 3G डोंगल आते हैं वो 3G प्लस 2G दोनों रहते हैं, वो आप एक बात भूल रहे हैं कि हम बोलते जरूर है 3G डोंगल लेकिन वो 2G भी सपोर्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने इसमें सिम इंसर्ट की 3G डोंगल में, आपने जैसे मैं खोल के दिखाता हूँ, यहां से सिम लगाएंगे, तो यहां से हमने सिम कोई सी भी कंपनी की लगा दी, अब सिम लगाने के बाद होगा क्या कि आप सेट टॉप बॉक्स में लगाएंगे और 3G डोंगल को एक्टिवेट कर देंगे, जैसे कि हम कंप्यूटर वगैरह में 3G इंटरनेट पहले चलाया करते थे, या 4G आ गया तो 4G यूज कर रहे हैं, लैन केबल से यूज कर रहे हैं, बहुत तरीका है यूज करने का, इंटरनेट किस तरीके से चलाया जा सकता है। तो अब 3G डोंगल की क्या प्रॉब्लम है और इससे चलाया जा सकता है या नहीं इसके बारे में बताएंगे। अब जैसे देखिए 3G डोंगल आप जैसे ही सेट टॉप बॉक्स में लगाओगे, कनेक्ट करोगे, कनेक्ट हो जाएगा और चलने लगेगा। अब बीच में इसमें भी फ्रीजिंग हो जाती है, फ्रीजिंग इसमें एक कारण होती है, ऐसा नहीं है जो 3G है तो तेज स्पीड में आ रहा है इंटरनेट, बहुत तेज चला, कोई समस्या का समाधान हो गया और सही है हो गया, लेकिन इसका हो गया समाधान, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ये है कि आपने इसमें 3G डोंगल लगाया तो क्या होता है कि नेटवर्क ऑटोमेटिकली 2G पर पहुंच जाता है और फिर एकदम से 3G पहुंच जाता है कंटिन्यू। आप नेट सेटर कभी भी अपने सिस्टम में लगाए, आप PC में लगाओगे तो उसमें देखोगे, अगर आप ऑटो कनेक्ट ऑटो ऑटो में लगा देंगे, 3G 2G दोनों ऑटो पर कर दोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक आप देखोगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा HSDPA और फिर आ जाएगा GPRS, GPRS और HSTPA, DPA या HSPA दो में से कुछ भी आ सकता है, और 2G के लिए GPRS आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो बदलते रहते हैं। अगर आप 1 घंटा यूज करोगे 3G डोंगल को अपने PC में, तो आप देखोगे 1 घंटे में एक बार या दो बार जरूर ये 2G पर पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली, और फिर 3G पर भी ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। अब सिस्टम में तो हमें पता नहीं चलता है, ऑटोमेटिकली चलता है क्यों, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी जो है ना वो हम महसूस नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि हम जैसे ही क्लिक करते हैं वो कोई पेज खुल गया, अब वो बंद हो गया इंटरनेट उसका, दोबारा क्लिक किया फिर खुल गया फिर बंद हो गया, इतने क्या उसमें ब्रेक मिल जाता है इंटरनेट को। लेकिन सेट टॉप बॉक्स में ये चीज नहीं है, सेट टॉप बॉक्स को कंटिन्यूटी चाहिए, एकदम बिल्कुल चलते ही चलता ही रहना चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए, रुकावट नहीं चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि सेट टॉप बॉक्स में जैसे ही हम 3G डोंगल चलाते हैं तो 3G से 2G पर आ जाए, जब तक 3G के उसके सिग्नल मिलते रहेंगे तो वो एकदम सही चलेगा, एकदम से 2G के सिग्नल आएंगे जैसे ही ऑटोमेटिकली 2G पकड़ लेगा, इसकी जो लाइट रहती है ना
बिलिंग करती है, ब्लू रेड कुछ भी चेंज होती है, 3G पर ब्लू चलती है और किसी में ग्रीन अलग चलती है, वो तो अलग अलग है। 2G और 3G आप देखोगे लाइट चेंज होगी, ज्यादातर डोंगल ऐसे ही है। तो होगा क्या कि 3G से 2G पर पहुंच जाएगा, तो जैसे ही ये 3G से 2G पर जब इंटरनेट पहुंचेगा सेट टॉप बॉक्स में, तो सेट टॉप बॉक्स में चैनल फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज होगा फिर चलने लगेगा, फिर वो 2G पर ही चल रहा है, उसको 3G 4G से मतलब नहीं, उसको तो एक जरा सी स्पीड चाहिए, जरा सी बस कंटिन्यू चाहिए उसको, कंटिन्यूटी केवल, तो वो चैनल चलने लगेगा। अब चैनल आपका चल रहा है सही, अब क्या कुछ समय बाद 3G के फिर आ गए सिग्नल, अब 3G के फिर सिग्नल आने से होगा क्या, फिर रुकेगा और फिर कंटिन्यू फिर चलने लगेगा, समस्या समाधान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डोंगल जो है ना, 3G डोंगल जो 2G को भी करते हैं, या तो ये ऑटोमेटिकली 3G पर ही चलते रहे या 2G पर ही चलते रहे, तो ठीक है, इससे अच्छा तो सेट टॉप बॉक्स दीवाला मैंने आपको बताया, कम से कम सिम लगती है तो उसमें 2G ही तो चलता है, सिग्नल आएंगे 2G ही आएंगे। अब वो स्पीड रुक रही है, अच्छी आ रही है, खराब आ रही है, वो नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए 3G 2G वाला अपन ये यूज करेंगे जो हम ये यूज लेस है। अब तीसरा ऑप्शन मैं बताऊं कि आप लैन केबल, सेट टॉप बॉक्स, बहुत से सेट टॉप बॉक्स में लैन केबल आती है, अच्छे ब्रांडेड सेट टॉप बॉक्स जो भी खरीदोगे, जैसे आप इसमें देखिए लैन केबल है, यहां से आप इथरनेट द्वारा चला सकते हो। तो इसके द्वारा चलाने से हमें क्या फायदा है, जैसे हम आपके घर में अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, आप इसमें लैन केबल डायरेक्ट सेट टॉप बॉक्स में लगा सकते हैं, उससे भी चला सकते हैं। तो उससे जब हम चलाएंगे इसको, तो होगा क्या कि चलाते टाइम कोई समस्या नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कंटिन्यू रहती है। लेकिन उसमें एक इश्यू बहुत बड़ा है कि हर घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, पहली चीज। और दूसरी बात कि जिन लोगों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उनको भी समस्या आती है, वो समस्या ऐसी है कि वो लैंडलाइन पर चलता है, लोकल केबल डली हुई है, सिटी के अंदर केबल डली हुई है, तो केबल कहीं से भी काम चलता है शॉर्ट हो जाती है, या फिर रिपेयरिंग करने वाले कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, जिस कारण से हमारी समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई इंटरनेट की सेट टॉप बॉक्स में चलाने के लिए। तो वो समस्या वहीं की वहीं है, कुछ ना कुछ कारण से इंटरनेट महीने में कुछ कुछ दिन ऐसा रहता है कि आप इंटरनेट नहीं चला सकते, ब्रॉडबैंड में कभी समस्या आ जाती है, क्योंकि काम वगैरह चलता है, रिपेयरिंग का काम, जैसे हमारी लाइट रहती है, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा नहीं आप कहीं भी रह रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी जाती जरूर है, महीने में कई बार जाएगी, ऐसा नहीं है कि आज आज से चालू हो गई, पता चला 1 साल तक 1 मिनट की लाइट नहीं, लाइट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, क्यों? क्योंकि हर जगह काम चलता है, रिपेयरिंग का कुछ भी फॉल्ट हो गया तो सुधारने के लिए मिस्त्री आता है तो उसको ठीक करके ही जाएगा ना। तो ऐसा ही ये लैंडलाइन हो गया, लैंडलाइन में अगर कोई समस्या आती है तो वो ठीक होगी, ठीक होगी तो लाइन में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी देर की रुकावट होगी, हो सकता है 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए भी चले जाए, 5 मिनट के लिए भी जा सकती है। तो और हर घर पे ब्रॉडबैंड नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ जी, कुछ लोगों के लिए इथरनेट का पोर्ट, जिन लोगों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, लैंडलाइन यूज करते हैं, उनके लिए ये है। अब तीसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, सबसे बेस्ट जो मैं यूज करता हूँ, और मैं किसी को राय भी यही देता हूँ कि आप भी यही यूज करें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान केवल एक ही है, वो है वाईफाई डोंगल। वाईफाई डोंगल ऐसी समस्या है समस्या का सभी समस्याओं का समाधान है। अगर आपने यूएसबी वाला रहता है ये वाईफाई, और मॉडल नंबर मैं बता ही चुका हूँ सेट टॉप बॉक्स में कौन कौन सी वाईफाई लगते हैं, 5370 और 760 MT 760, याद रखें चिपसेट इसका यही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके सेट टॉप बॉक्स में कौन सी वाईफाई लगेगी, वही वाईफाई आप डोंगल खरीदे। ऐसा नहीं मार्केट से गए आप कोई सी वाईफाई लेके आ गए कंप्यूटर वाली और वो पता चला चली ही नहीं रही, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि चचर वाईफाई डोंगल खरीद लिए और चले भी नहीं रहा है, फिर आप ऑनलाइन ढूंढते फिर रहे होगे, अरे फिर किसी से पूछ रहे हो आप, कोई के यूट्यूब चैनल देख रहे हो, अरे उसके उसने बताया। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बता दूं, MT 760 और एक है RT 5370, याद रखें RT 5370 5370, ये दो मॉडल आते हैं सेट टॉप बॉक्स के लिए, और यूनिवर्सल मॉडल है 5370 जो कि ज्यादातर 90 या 95% सेट टॉप बॉक्स में वर्क करती है। वाईफाई 5370 चिप सेट रहता है, जो चिप रहती है अंदर उसका नंबर रहता है ये,
हमेशा वाईफाई खरीदने से पहले उसके चिप जो डिटेल रहती है उसकी चिपसेट की वो जरूर देख लें। यही वाली मॉडल आपको खरीदना है। और कुछ सेट टॉप बॉक्स में MT जो बता रहा हूँ मैं 760 मॉडल वो वाला ले सकते हैं अगर आपके पास कोई दूसरा सेट टॉप बॉक्स है तो। जैसे सॉलिड के सेट टॉप बॉक्स आ रहे हैं उनमें ये यूज हो रही है, जैसे ये फ्री सेट VC1S है सबसे अच्छा सेट टॉप बॉक्स। मैंने एक बार पिछली बार मैंने उसका रिव्यू दिया था और अनबॉक्सिंग की थी, तो वो वाला सेट टॉप बॉक्स जो है ना फ्री सेट का उसमें दोनों वाईफाई काम करती है, MT 760 और RT5370। दोनों वाईफाई उस सेट टॉप बॉक्स में काम करती है, आप कोई सी भी लेकर लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा था कि वाईफाई से इंटरनेट अच्छा क्यों चलता है सेट टॉप बॉक्स में, क्या कारण है कि इसमें अच्छा चलेगा। कारण केवल एक ही है कि आपने वाईफाई डोंगल लगाया और हॉटस्पॉट कहाँ से देंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे ब्रॉडबैंड की कि ब्रॉडबैंड हर घर में नहीं होता, लेकिन मोबाइल हर घर में होता जरूर है, हर किसी के पास आज की तारीख में देखा जाए तो एंड्रॉइड मोबाइल हर घर में अवेलेबल है। ऐसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, ज्यादातर मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। और अब ज्यादातर लोग 4G पर आ चुके हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, हॉटस्पॉट ऑन करना है और इस वाईफाई सेट टॉप बॉक्स में सेटिंग में जाकर इसको कनेक्ट कर दें इंटरनेट के लिए, तो इससे इंटरनेट इस पर मिलता रहेगा। अब मोबाइल से क्या फायदा है, मोबाइल से ये फायदा है कि मोबाइल में हम अगर 3G यूज कर रहे हैं तो 3G कर सकते हैं, 2G कर रहे हैं 2G, 4G करना 4G। हम मोबाइल में कोई सी भी सेटिंग करके, मान लीजिए आप 3G यूज कर रहे हो तो आपको 3G उसमें सेटिंग कर ली, अब वो मोबाइल 2G पर पहुंचेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपने तो कर लिया ना परमानेंट इसको 3G पर। अगर 4G पर कर लिया तो 4G चलेगा, परमानेंट है, ऑटोमेटिकली कोई बदलेगा थोड़ी, जैसे नेट सेटर की प्रॉब्लम थी ऑटोमेटिक बदल जाता है। सेट टॉप बॉक्स में कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं रहती जिसे हम चेंज कर सकें। हाँ PC में जरूर रहती है, हम PC में अगर डोंगल चलाएंगे तो उसमें सेटिंग कर सकते हैं, 3G डोंगल में PC में कर सकते हैं, लेकिन सेट टॉप बॉक्स में नहीं कर सकते। लेकिन वाईफाई से हम चलाएंगे तो मोबाइल से हम कुछ भी सेटिंग बदल सकते हैं अपने अनुसार, 2G करना 2G कर सकते हैं, 3G करना 3G कर सकते हैं, 4G है तो 4G करके आप चलाइए। आपको 99.99 कह रहा हूं मैं, कोई समस्या आएगी नहीं आपको टीवी देखते टाइम, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ कोई प्रॉब्लम है। इसलिए मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा सभी के लिए कि आप वाईफाई डोंगल ही यूज करें अपने सेट टॉप बॉक्स में, और सिम और 3G डोंगल के चक्करों में ना पड़े। क्यों, क्योंकि अगर आप ये इसकी वजह से आप ले तो लोगे सेट टॉप बॉक्स लेकिन कोई यूजलेस रहेगा, आप सोचोगे ये समस्या का मेरा समाधान नहीं हो रहा है, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन मैं जानता हूं इतना कि मैं अपने अनुसार जो बता रहा हूं, मुझे जो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा और चलाया, और ऐसा नहीं कि मैंने एक सिम यूज की अपने सेटअप में, बहुत सारी सिम यूज करके भी देखा मैंने, चलता है सही चलता है, लेकिन प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम एकदम क्लियर नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है एकदम खत्म, केवल वाईफाई से ही डोंगल से मेरी प्रॉब्लम खत्म हुई है, और मैंने ज्यादातर सभी को वाईफाई ही डोंगल की सलाह दी है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर जो नए आए हैं नीचे रेड कलर का बटन है उसको जरूर दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फिर लेकर आऊंगा। और याद रखें अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो नीचे कमेंट जरूर बताया करें, अगर कोई आपको कमी लगती है मेरी वीडियो में तो आप नीचे जरूर बताएं जिससे कि मैं आपको आगे के वीडियो और अच्छे से अच्छे बेस्ट नॉलेजेबल जो आपको चाहिए नॉलेज वो वीडियो मैं आपको लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एक बार फिर।